हेलो, वेलकम बैक। मैं कुणाल बंसल आप लोगों का बी बेटर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत करता हूँ। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे, एक्सरसाइज 8.3, जिसके पहले तीन क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। जो थर्ड क्वेश्चन था उसके ऊपर ही बेस्ड, जैसे थर्ड क्वेश्चन में जो कंसेप्ट था सेम कंसेप्ट के दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5। तो ये आप लोगों के लिए ट्राई योर सेल्फ रहेगा, ये आप खुद ट्राई कीजिए। अगर डाउट्स आते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिए, उसके सोल्यूशन की मैं आपको हेल्प करूंगा। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क होगा। हम लोग डायरेक्टली सिक्स क्वेश्चन देखेंगे, तो सिक्स क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। देखो क्या दिया है सिक्स क्वेश्चन में। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, एक्यूट एंगल क्या होता है, द एंगल्स व्हिच आर लेस देन 90 डिग्री। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, such that cos A is equals to cos B, then show that angle A is equals to angle B. Question एक बार फिर से read कर लीजिए। If angle A and angle B are acute angles, such that cos A is equals to cos B, then show that angle A is equals to angle B. तो हम लोगों को दो चीजें दी है, that A and B are acute angles और cos A is equals to cos B। ये दो चीजें given है और इनको use करके क्या proof करना है, angle A is equals to angle B, ये चीज हम लोगों को proof करना है। ठीक है, ये देखते हैं इसको कैसे प्रूफ करेंगे। अब इस क्वेश्चन में कहीं पे भी ये नहीं दिया कि ये जो एंगल ए और एंगल बी है ये एक्यूट एंगल्स ऑफ द सेम ट्रायंगल है या दो अलग अलग ट्रायंगल्स। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज बनती है, एंगल ए और एंगल बी ये दोनों सेम राइट एंगल ट्रायंगल के एक्यूट एंगल्स है। राइट एंगल ट्रायंगल क्यों, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई होती है, तो हमको कंपल्सरी राइट एंगल ट्रायंगल्स ही कंसिडर करना है। अब उसमें दो पॉसिबिलिटी की ए और बी ये दोनों सेम ट्रायंगल के एक्यूट एंगल्स हो सकते हैं या फिर दो अलग अलग राइट एंगल ट्रायंगल्स के एक्यूट एंगल्स हो सकते हैं। तो हम लोग केस वन कंसीडर करते हैं जहां पर एंगल ए एंड बी आर एंगल्स ऑफ सेम राइट एंगल ट्रायंगल, सेम राइट एंगल ट्रायंगल के एक्यूट एंगल्स है ये दोनों। तो उसके हिसाब से ट्रायंगल बनाते हैं, ये दोनों एक्यूट एंगल्स है लेस देन 90 डिग्री, तो एंगल सी को 90 डिग्री कंसिडर करते हैं, एंगल ए और एंगल बी ये लेस देन 90 डिग्री, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी बन गया। हम लोगों को गिवन क्या है, कॉस ए इज इक्वल्स टू कॉस बी, ये इंफॉर्मेशन गिवन है, इसको मैंने यहाँ लिख लिया, कॉस ए इज इक्वल्स टू कॉस बी। कॉस की डेफिनेशन क्या होती है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। ए का एडजेसेंट क्या है, एसी, इसको कॉस बी इक्वल टू कॉस ए लिखता हूं, पहले कॉस बी देखते हैं। कॉस बी विल बी एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, बी का एडजेसेंट क्या है, बीसी, हाइपोटेनियस इज एबी, बी का एडजेसेंट इज बीसी, हाइपोटेनियस इज बीसी अपॉन एबी। कॉस ए एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंट क्या है, एसी, हाइपोटेनियस इज एबी, तो BC upon AB should be equal to AC upon AB because cos B is equal to cos A. अब दोनों के denominators AB AB से मैं दोनों को cancel कर देंगे, AB and AB cancel, तो क्या बचा, BC is equal to AC, ये बच गया BC is equal to AC। अगर एक triangle के दो sides equal है तो उसको हम कौन से type का triangle बोलते हैं बच्चों, it is considered as isosceles triangle। तो अगर इस triangle के दो sides equal है, side BC is equals to AC, तो इसको isosceles triangle consider कर सकते हैं। पर according to isosceles triangle theorem, अगर एक triangle के दो sides equal है, तो उनके opposite angles भी equal होंगे। तो BC के opposite वाला side A और AC के opposite वाला side B, angle A should be equal to angle B because of isosceles triangle theorem। तो हमें यही prove करना था, angle A is equals to angle B, hence it has been proved। तो ये sum का first part हो गया, ठीक है? तो अब इसका हम लोगों को सेकेंड पार्ट देखना है। तो केस टू देखते हैं, केस टू में देखो क्या दिया है। हम लोग कंसिडर करेंगे कि अब ये जो एंगल ए और एंगल बी है ये सेम राइट एंगल ट्रायंगल के एंगल्स हैं, ये दो अलग अलग राइट एंगल ट्रायंगल्स के एंगल्स हैं। एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स ऑफ टू डिफरेंट राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये दो डिफरेंट राइट एंगल ट्राइंगल्स लेते हैं।
एंगल ए यहाँ पे, एंगल बी यहाँ पे, तो ये दोनों को हमने कंसिडर कर लिया, इसको सी डी कंसिडर कर लिया, इसको पी क्यू कंसिडर कर लिया, तो ये दो राइट एंगल ट्रायंगल्स है, विद एंगल ए कंटेनिंग एंगल ए एंड एंगल बी. ये गिवन इंफॉर्मेशन है, दिस इज गिवन इंफॉर्मेशन. कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, कॉस ए एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस ए सी अपॉन ए डी, एंड कॉस बी विल बी पी बी अपॉन बी क्यू, बी पी अपॉन बी क्यू. तो लेट दिस बी इक्वेशन वन, इसको कंसिडर करते इक्वेशन वन, लेट दिस बी इक्वेशन वन. अब हमने इसको इक्वल टू के से इक्वेट किया, ए सी अपॉन एडी इज इक्वल टू के, तो ए सी को मैं लिख सकता हूँ के टाइम्स एडी, और बीपी को लिख सकता हूँ के टाइम्स बी क्यू. ए सी इज इक्वल टू के टाइम्स एडी एंड बीपी इज इक्वल टू के टाइम्स बी क्यू. लेट दिस बी इक्वेशन टू, इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, आगे जाके काम में आएंगे. अब इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर आएगा, AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर. हमारे पास रेशियो किस चीज का है, AC अपॉन AD, इनका रेशियो, ये वाला टर्म मिसिंग है, तो वाले टर्म को सेपरेट आउट करते हैं. CD स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, AD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, AD स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, CD square will be AD square minus AC square. और similarly इस triangle में PQ square की value आएगी BQ square minus BP square. CD square will be AD square minus AC square and PQ square will be BQ square minus BP square. तो ये दोनों values अब हमें use कर. तो हमने CD square और PQ square भी added होंगे. अब CD square upon PQ square करते हैं. CD square कितना मिला था? AD square minus AC square. PQ square मिला था BQ square minus BP square. अब equation 2 में हम लोगों ने देखा था AC is equals to K times AD. AC को put करेंगे K times AD. और BP को put करेंगे K times BQ. K times BQ. अब इनके squares करेंगे. तो ये K square AD square हो जाएंगे. इन दोनों में से AD square को common लिया तो 1 minus K square बचेगा. Denominator में से भी BQ square को common लेते तो 1 minus K square. 1 minus K square, 1 minus K square. कैंसल, तो CD स्क्वायर अपॉन BQ स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर अपॉन BQ स्क्वायर. तो CD स्क्वायर अपॉन BQ स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर अपॉन BQ स्क्वायर आ रहा था, तो उनके स्क्वायर रूट्स लेके CD अपॉन BQ इज इक्वल टू AD अपॉन BQ, ये लिख के लेट इट बी इक्वेशन 3. अब फ्रॉम 1 AC अपॉन AD वाज इक्वल टू BP अपॉन BQ. इसको अगर हम लोग क्रॉस में इंटरचेंज कर देंगे तो ये AD ऊपर चला जाएगा, BP नीचे, AC upon BP is equals to AD upon BQ, और AD upon BQ is same as CD upon PQ, तो ये ratio equal to CD upon PQ आ जाएगा. इसके लिए reason लिखेंगे from equation number 3. ये equation number 3 से आया, AD upon PQ is equals to CD upon PQ. तो अब यहाँ पे observe करो, AC upon BP is equals to AD upon BQ is equals to CD upon PQ. ये दोनों sides का ratio is same as the ratio of hypotenuse is same as the ratio of the other sides. मतलब ये triangles के तीनों side इस triangle के तीनों side से proportion में आ रहे, divide करके same ratio आ रहा है. और अगर divide करके same ratio आता है तो हम वो दो triangles को क्या consider करते हैं, the triangles are similar, ये similar की side, the triangles are सिमिलर, ट्रायंगल ACD सिमिलर टू ट्रायंगल BPQ. अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इसके तीनों एंगल्स इक्वल होने चाहिए, एंगल C शुड बी इक्वल टू एंगल P, एंगल A शुड बी इक्वल टू एंगल B एंड एंगल D शुड बी इक्वल टू एंगल Q. हम लोग को एंगल A इक्वल टू एंगल B लिखना है, तो इसके लिए हम लोग रीजन क्या लिख सकते हैं, दीज आर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, और हम लोग लिख सकते हैं करस्पॉन्डिंग angles of similar triangles. ये दोनों में से कोई भी reason लिख सकते हैं. Hence we have proof. तो ये case 2 पूरा हो गया. हम लोगों ने दो cases देखे. Case 1 क्या consider किया था, जब वो दोनों same right angle triangle के angles है. अब case 2 देखा जिसमें वो दो अलग-अलग right angle triangles के angles है. तो जो case 2 है उसको ध्यान में कैसे रखना, cos A equal to cos B, मतलब AC upon AD is equals to BP upon BQ. तो रेशियो ऑफ अदर साइड्स अपॉन रेशियो ऑफ हाइपोटेन्यूस, ये पार्ट सेपरेट कर लिया, AC अपॉन BP इज इक्वल टू AD अपॉन BQ, ये फर्स्ट पार्ट.
अब दूसरा हम लोग को प्रूफ करना है जो तीसरा साइड है इसके रेशियोज इक्वल प्रूफ करना है। तो पहले पाइथागोरस थ्योरम से CD स्क्वायर और BQ स्क्वायर की वैल्यूज फाइंड करनी, CD स्क्वायर और PQ स्क्वायर की, और फिर दोनों को डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद यहां से जो वैल्यूज मिले उसको पुट करके सिंपलीफाई करना है, तो CD / PQ की वैल्यू AD / BQ मिल जाएंगे, उससे ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। एक बार ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो हम लोग इसके एंगल्स को इक्वल लिख सकते हैं। तो ये की स्टेप ध्यान में रखना। पहला स्टेप क्या रखना है, AC / AD is equals to BP / BQ given है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो रेशियो ऑफ अदर साइड्स इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ हाइपोटेन्यूज, तो तीसरे साइड का रेशियो इक्वल प्रूफ करना। एक बार वो इक्वल प्रूफ हो गया तो दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाएंगे, और एक बार ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो हम लोग ये दोनों एंगल्स को इक्वल लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन 4 मार्क के लिए आता है एग्जाम्स में, आपको दोनों केसेस लिखने होते हैं। इन केस अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए आता है तो आप सिर्फ फर्स्ट केस लिख सकते हैं और सेकंड केस कंसीडर करने की जरूरत नहीं, ठीक है। अगर कोई भी डाउट डिफिकल्टीज आती है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, उसके ऊपर पूरी हेल्प की जाएगी। थैंक यू एंड नेवर बी द सेम, बी बेटर।